हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। अभी तक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर वन कवर कर चुके हैं। पेपर टू में हम यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 13, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। वॉट इज सेक्रेटेरिएट? सेक्रेटेरिएट बेसिकली मीन्स एन ऑफिस विच असिस्ट द मिनिस्टर्स हेडिंग द मिनिस्ट्रीज डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर ऑब्वियसली मिनिस्ट्रीज होती है। मिनिस्ट्रीज के हेड कौन होते हैं? जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो पॉलिटिशियंस होते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर्स होते हैं। तो जो मिनिस्टर्स हैं, दैट मीन्स जो पॉलिटिकल हेड हैं मिनिस्ट्रीज के, उनको असिस्ट करने का काम सेक्रेटेरिएट करता है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टैंड फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हुज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आर डेजिग्नेटेड एज सेक्रेटरीज एंड हुज पॉलिटिकल हेड्स आर मिनिस्टर्स। देखिए, मिनिस्ट्रीज के पॉलिटिकल हेड को मिनिस्टर्स बोला जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को सेक्रेटरीज बोला जाता है। और इन सब का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट में, उन सब का अगर उन सबको उठा करके एक साथ रख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज का एक ऑफिस है, ठीक है, वो उसको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बोलेंगे। दैट मीन्स सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी हो गया, राइट, तो और मिनिस्ट्रीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन सब का कलेक्शन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहलाता है। सेक्रेटेरिएट के नीचे, अंडर द सेक्रेटेरिएट, देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ एजेंसीज, सबऑर्डिनेट ऑफिस होते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती हैं, एंड वो एजेंसी बेसिकली हेल्प करती हैं इन द एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन एक्चुअल में एजेंसीज के द्वारा लागू किए जाते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज द नोडल एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द यूनियन सब्जेक्ट एंड एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन जितने भी सब्जेक्ट हैं जिन पे कानून बनाए जाते हैं, उनको तीन हिस्सों में बांटा गया, तीन लिस्ट के अंदर डिवाइड किया गया। वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड कंकरेंट लिस्ट। तो उनमें से जो यूनियन लिस्ट है, बेसिकली यूनियन सब्जेक्ट जो हैं, मेनली यूनियन सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का जो पावर दी गई है वो किनको दी गई है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को दी गई है। तो फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का जो हक है या जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? हमारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है। फाइन, अब इसका इवोल्यूशन समझ लेते हैं। इवोल्यूशन क्या है बेसिकली? आपको पता है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो आपको ध्यान होगा कि 1757 के बाद हमारे यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है। बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी होती है, और उसके बाद में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज आता है। उससे पहले फोर्ट विलियम के अंदर प्रेजिडेंट होता था और एक काउंसिल होती थी विच ट्रांजेक्ट ऑल देयर बिजनेस इन वन जनरल डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी एंड फ्यू असिस्टेंट। छोटा सा काम था, ज़्यादा नहीं था, एक सेक्रेटरी होता था और कुछ असिस्टेंट होते थे, एक जनरल डिपार्टमेंट के अंदर सारा काम हो जाता था। लेकिन बाद में आपको पता होगा कॉर्नवालिस ने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और उसके बाद वेलेसली, तो कॉर्नवालिस एज वेल एज वेलेसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजिंग द सेक्रेटेरिएट। उसके बाद में जो दूसरा मेजर चेंज आता है इवोल्यूशन, अगर आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का देखोगे तो उसके बाद आता है 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। फाइन, प्रायर 1919 क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मेन टास्क था उसके साथ साथ उसको लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को भी इम्प्लीमेंट करना होता था, राइट, कि सेंट्रल के काम तो है ही हैं, लोकल गवर्नमेंट के काम भी उसको करने पड़ते थे। बट 1919 के रिफॉर्म के बाद आपको पता होगा कि सब्जेक्ट में डिवीजन की गई, जो लोकल गवर्नमेंट थी या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी उनको उनके जो सब्जेक्ट बताए गए कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप कानून बना सकते हो, तो बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेक्रेटेरिएट बिगिन टू चेंज फ्रॉम मेयरली पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी टू दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी एज वेल। अभी तक जो सेक्रेटेरिएट सिर्फ पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा था, जो डिसीजन ले रहा था, अभी वो सेक्रेटेरिएट जो है वो उन डिसीजन को एग्जीक्यूट भी करेगा। ये 1919 के बाद चेंज आया था, राइट। उसके बाद 1939 के अंदर आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। सो विद द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 द गवर्नमेंट हैड टू अज्यूम सेवरल न्यू फंक्शंस एंड बर्डन।
बहुत सारे नए काम उभर के आए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही 1947 के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इंडिया का जो अप्रोच अपनाई पोस्ट इंडिपेंडेंस वो वेलफेयर स्टेट वाली थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड वेलफेयर पॉलिसीज एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि ऑफिस में मतलब बढ़ोतरी हुई, मिनिस्ट्रीज के अंदर बढ़ोतरी हुई, ऑब्वियसली काम भी बढ़ा, कॉम्प्लेक्स नेचर होता गया गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का। एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो लाया गया 1948 के अंदर, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ। पब्लिक सेक्टर का अगर एक्सपेंशन होता है तो ब्यूरोक्रेसी का काम बढ़ता है, मिनिस्ट्रीज का काम बढ़ता है, गवर्नमेंट का काम बढ़ता है, फाइन। एंड एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑक्यूपाइज अ की पोजिशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मेनली फंक्शन क्या है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के? सेक्रेटेरिएट असिस्ट द मिनिस्ट्रीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज। आप ध्यान रखिए कि बेसिकली सेक्रेटेरिएट का काम जो होता है वो होता है असिस्टेंट, मतलब असिस्ट करने का। तो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनको असिस्ट करने का काम कौन करता है? सेक्रेटेरिएट करता है। और इसके मतलब ये असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। असिस्टेंट के अंदर क्या आता है? पहला तो कि पॉलिसीज़ को बनाना और मॉडिफाई करना टाइम टू टाइम। सेकेंड, बिल को ड्राफ्ट करने में हेल्प करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में हेल्प करते हैं। अंडरटेकिंग सेक्टोरल प्लानिंग एंड प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, किस पर्टिकुलर सेक्टर की क्या प्लानिंग करनी है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्राम बनाना है, वो सारा काम भी सेक्रेटेरिएट देखते हैं। बजटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना एग्जीक्यूशन के ऊपर, उनको कोऑर्डिनेट करना, एज वेल एज इनिशिएटिंग मेजर्स टू डेवलप ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके, अपनी जो एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। एंड डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका पार्लियामेंट में जो काम होता है वो काम भी करवाने में सेक्रेटेरिएट उनकी हेल्प करता है, मतलब असिस्ट करता है। उसके अलावा है सेक्रेटेरिएट इज़ ए थिंक टैंक एंड ट्रेजर हाउस ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन। मतलब कंप्लीट डेटा होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है एंड ट्रेजर हाउस भी बोला जाता है इन्फॉर्मेशन का। एंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन इट कैरीज आउट ए कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ इशूज़। कोई भी फैसला लेने से पहले उस इशू के ऊपर कंप्लीट डिटेल मतलब उसको एनालाइज किया जाता है। Ensure efficient and economic execution of policy by field agency. ये फाइल नहीं आएगा, field agencies आएगा। And main channel of communication between states or agencies. सिर्फ ऐसा नहीं है कि union ministries के मतलब एक coordinating point है ये, इसके अलावा जो agencies हैं या जो states हैं उनके बीच में भी main channel of communication की तरह काम करते हैं हमारे central secretariat. अब इनकी क्या importance है central secretariat की, इस regard हम फर्स्ट एआरसी की कुछ बातों को यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट एआरसी ने कमेंट किया था दैट द सेक्रेटेरिएट सिस्टम ऑफ वर्क हैज़ लेंड बैलेंस कंसिस्टेंसी इन कंटिन्यूइंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्व एज ए न्यूक्लियस फॉर द टोटल मशीनरी ऑफ मिनिस्ट्री। एक न्यूक्लियस पॉइंट की तरह काम करता है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखता है सेक्रेटेरिएट। इट हैज़ फैसिलिटेटेड इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट एट द मिनिस्ट्रियल लेवल। बेसिकली जो जैसे मान लीजिए कोई काम है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री को करना है तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो डेवलप करने में हेल्प करता है, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है। एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम इट इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है गवर्नमेंट, अगर बेहतर तरीके से आप चाहते हैं काम करे तो आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। अब आप समझिए कि मिनिस्ट्री की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या सेक्रेटेरिएट के अंदर कौन कौन होता है वो समझिए। मिनिस्ट्री है, जैसे हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फाइनेंस मिनिस्ट्री, या होम मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री लगा लीजिए, उसकी स्ट्रक्चर बेसिक क्या होती है? मिनिस्ट्रीज को कुछ डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड किया जाता है, राइट। डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। डिपार्टमेंट को फिर फर्दर कुछ विंग्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, राइट। विंग्स का जो हेड होता है उसको एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं। उसके बाद डिवीजन होती है विंग्स के अंदर, डिवीजन के जो हेड होता है उनको अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। ब्रांचेस के जो हैं वो अंडर सेक्रेटरी या फिर ब्रांच ऑफिसर होते हैं, सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर होता है, राइट। तो मिनिस्ट्री के बाद डिपार्टमेंट, विंग्स, डिवीजन, ब्रांच ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर, ओके।
अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज एंड सबॉर्डिनेट ऑफिसेज क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है बेसिकली जो प्रॉपर आपको डायरेक्शन देती हैं, जिस मिनिस्ट्री के साथ जो अटैच्ड हैं, अटैच्ड ऑफिस का मतलब वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड मिलेंगे आपको। तो वो मिनिस्ट्री जो डिसीजन ले रही है उसको सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं या सही डायरेक्शन देने की कोशिश की जाती है। सो एग्जीक्यूटिव एजेंसी और अटैच्ड ऑफिस आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन रिक्वायर्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द मिनिस्ट्री टू विच दे आर अटैच्ड। जो मिनिस्ट्री डिसीजन लिया है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में उनको क्या कुछ हेल्प चाहिए, क्या कुछ डायरेक्शन चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का काम होता है। सबॉर्डिनेट ऑफिस मेनली अटैच्ड ऑफिस के अंडर काम करते हैं एंड दे फंक्शन एज द फील्ड एस्टैब्लिशमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, राइट? तो सो दे फंक्शन एज द फील्ड एस्टैब्लिशमेंट और एज एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी एंड दे जनरली फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन अटैच्ड ऑफिस। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के बारे में, CSS क्या होता है ये बेसिकली। ये जो सर्विस होती है इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। आपको एक ग्रीन पॉइंट में दिख रहा होगा दैट CSS प्रोवाइड्स स्टाफ, राइट, नॉट ओनली फॉर द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बट ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस। बेसिकली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस जो है वो स्टाफ प्रोवाइड करवाने का काम करती है मेनली फॉर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अलॉन्ग विद अटैच्ड एंड सबॉर्डिनेट ऑफिस। और इसमें असिस्टेंट से लेकर के अंडर सेक्रेटरी तक की जो पोस्ट होती है, ठीक है, ऑल पोस्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ असिस्टेंट अप टू अंडर सेक्रेटरी आर इंक्लूडेड इन दिस सर्विस, राइट। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होता है वो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन जो है हमारी मिनिस्ट्री है वो देखती है। एंड फॉर्मली इसको इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट सर्विस भी बोला जाता था पहले, राइट, बिफोर इंडिपेंडेंस। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।